वक्त की बड़ी खबर, परिजनों को नशीला पदार्थ खिलाकर महिला घर से गायब। सास ससुर और पति को नशीला पदार्थ खिलाया, परिवार के तीनों सदस्यों की तबीयत बिगड़ी। खाजूवाला सीएचसी में तीनों का उपचार चल रहा है। सूचना मिलते ही खाजूवाला पुलिस मौके पर पहुंची। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता सुरेंद्र कुमार डीलू फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी सुरेंद्र, पूरा मामला विस्तार से बताएं। जी बताना चाहूंगा, खाजूवाला थाना क्षेत्र की यह घटना है। परिजनों को नशीला पदार्थ खिलाकर महिला घर से गायब हो जाती है। सास ससुर और पति को नशीला पदार्थ खिलाया जाता है, परिवार के तीन सदस्यों की हालत बिगड़ती है और तुरंत ही उन्हें परिजनों की सहायता से खाजूवाला सीएचसी लाया जाता है, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही खाजूवाला पुलिस मौके पर पहुंचती है। हेड कांस्टेबल महेंद्र मीणा मौके पर पहुंचते हैं और पूरी इसकी जांच की जा रही है। जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, उसमें यह भी बात सामने आ रही है कि 3 दिन पहले ही इसे राजस्थान की फलौदी से पंचायती के द्वारा घर पर लाया गया था। इस महिला को, यह महिला 35 सालों से यहाँ इस घर में बस रही है, लेकिन कल रात्रि में ही इन्होंने नशीला पदार्थ खिलाकर महिला घर से गायब हो जाती है। हालांकि जब हमारी पुलिस से बात हुई तो उन्होंने कहा भी ऐसा कुछ भी सामान वगैरह वह नहीं लेकर गई है। हालांकि परिजनों को नशीला पदार्थ खिलाकर वह घर से गायब हो जाती है। जब सुबह उठते हैं परिजन, लेट उठते हैं, तो सूचना मिलती है आसपास के लोगों के द्वारा, उन्हें गंभीर हालत में सीएचसी खाजूवाला लाया जाता है, जहां पर प्राथमिक उपचार चल रहा है। हालांकि तीनों की स्थिति इस समय ठीक बताई जा रही है, जिसके अंदर सास ससुर और पति तीनों को नशीला पदार्थ खिलाया जाता है। तीनों खाजूवाला के सीएचसी मिशन में भर्ती है। डॉक्टरों से मिली प्राप्त जानकारी के अनुसार तीनों का इस समय इलाज चल रहा है, तीनों ठीक स्थिति में है। जी भारती। और सुरेंद्र, ये भी बताएं कि जो महिला नशीला पदार्थ खिलाकर भाग गई थी, क्या वो अभी तक पुलिस के हाथ लग पाई है क्या? जी बिल्कुल भारती, बताना चाहूंगा जिस तरीके की देर रात्रि की घटना है, खाजूवाला पुलिस को भी सुबह सूचना मिलती है। पहले तीनों को सीएचसी लाया जाता है, तीनों का इलाज जारी होता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, परिजनों से मिलती है, परिजनों के हाल चाल जानती है। उसके तुरंत पश्चात पुलिस इस मामले की गहन जांच करने के लिए लगी हुई है कि ताकि वो महिला कहां गई है। हालांकि 3 दिन पूर्व ही है महिला फलौदी से आई बताई है, और इसी के चलते पुलिस अब इसके सूत्र खंगाल रही है ताकि जल्द उस महिला तक पहुंचा जा सके। जी भारती। जी सुरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।